किसी द्विघाती बहुपद के गुणांक व उसके शून्यक में संबंध। बहुपद x वर्ग ऋण 5x धन 6 के शून्यक 3 व 2 हैं, तब इसके गुणनखंड x ऋण 3 व x ऋण 2 हैं, अर्थात x वर्ग ऋण 5x धन 6 बराबर 1 गुणित कोष्टक में x ऋण 3 गुणित कोष्टक में x ऋण 2। अब बहुपद 4x वर्ग ऋण 4x धन 1 के गुणनखंड व शून्यक पर विचार करते हैं। हमें बहुपद 4x का वर्ग ऋण 4x धन 1 के गुणनखंडन कर उसका शून्यक ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसका गुणनखंडन कर लेते हैं। 4x वर्ग ऋण 4x धन 1 को हम लिख सकते हैं 4x का वर्ग ऋण 2x ऋण 2x धन 1। हम मध्य पद को दो भागों में विभाजित कर लिख सकते हैं ऋण 2x ऋण 2x, क्योंकि इनका गुणनफल जो है वो प्राप्त होगा 4x का वर्ग, जो कि प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर है। तो इस प्रकार हमें मिला 4x का वर्ग ऋण 2x ऋण 2x धन 1। अब हम प्रथम दो पद और उसके अगले दो पदों का जोड़ा बनाकर उसमें से उभयनिष्ठ ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें इस प्रथम दो पद में क्या उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, 2x, कोष्टक में हम लिखेंगे 2x ऋण 1। इन दो पदों में हम देख सकते हैं कि हमें उभयनिष्ठ के रूप में केवल ऋण 1 प्राप्त होगा, तो कोष्टक के अंदर बचेगा 2x ऋण 1। अब पुनः हमारे पास यहाँ पर दो पद हैं और इन दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि 2x ऋण 1 जो है वो उभयनिष्ठ है, तो इसे हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं और अंदर कोष्टक में प्रथम पद में बचेगा 2x और द्वितीय पद में बचेगा ऋण 1। इस प्रकार 4x का वर्ग ऋण 4x धन 1 का जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है वो है 2x ऋण 1 गुणित 2x ऋण 1। अब यदि हम इन दोनों गुणनखंडों में से 2 को उभयनिष्ठ ले लें तो हम किस प्रकार लिखेंगे, 2 यदि उभयनिष्ठ रहेगा तो ये होगा x ऋण 1 बटे 2। बिल्कुल इसी प्रकार यदि इस गुणनखंड से भी 2 को उभयनिष्ठ ले लिया जाए तो हमें मिलेगा गुणित 2 कोष्टक में x ऋण 1 बटे 2, यानी कि हल करने पर प्राप्त होगा 2 दुनी 4 x ऋण 1 बटे 2 गुणित कोष्टक में x ऋण 1 बटे 2, अर्थात चार एक्स का वर्ग ऋण 4x धन 1 का गुणनखंड 4 गुणित x ऋण 1 बटे 2 गुणित कोष्टक में x ऋण 1 बटे 2 है। और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इस बहुपद के एक बटे दो जो हैं वो क्या हैं, शून्यक हैं, क्योंकि x ऋण 1 बटे 2 और x ऋण 1 बटे 2 उसका गुणनखंड है, तो 1 बटे 2 और 1 बटे 2 जो है वो दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। क्या x वर्ग ऋण 5x धन 6 व 4x वर्ग ऋण 4x धन 1 के गुणनखंड में कोई खास बात या पैटर्न दिखाई पड़ रहा है? x वर्ग ऋण 5x धन 6 में x वर्ग का गुणांक 1 उसके एक गुणनखंड के रूप में लिखा है। इसी प्रकार 4x वर्ग ऋण 4x धन 1 में x वर्ग का गुणांक 4 उसके एक गुणनखंड के रूप में लिखा है, यानी हम बहुपद ax वर्ग धन bx धन c को जिसके शून्यक अल्फा व बीटा हैं तथा a b c वास्तविक संख्याएं जहाँ a का मान शून्य नहीं है को इस रूप में लिख सकते हैं, ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर के गुणित कोष्टक में एक्स ऋण अल्फा गुणित
कोष्टक में एक्स ऋण बीटा और के बराबर ए, जहां के एक वास्तविक संख्या है और के का मान शून्य नहीं है। पुनः ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर के एक्स वर्ग ऋण के गुणित अल्फा धन बीटा गुणित एक्स धन के गुणित अल्फा गुणित बीटा गुणा करने पर इस समीकरण के दोनों पक्षों के एक्स वर्ग व एक्स के गुणांकों एवं अचर पदों की तुलना करने पर ए बराबर के, बी बराबर ऋण के गुणित कोष्टक में अल्फा धन बीटा, सी बराबर के गुणित अल्फा गुणित बीटा, बी बटे ऋण के बराबर अल्फा धन बीटा, सी बटे के बराबर अल्फा गुणित बीटा, बी बटे ऋण ए बराबर अल्फा धन बीटा, अर्थात अल्फा धन बीटा बराबर ऋण बी बटे ए एवं अल्फा गुणित बीटा बराबर सी बटे ए, अंश और हर में ऋण एक का गुणा करने पर हम कह सकते हैं कि द्विघाती बहुपद ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी में शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर ऋण एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स वर्ग का गुणांक। बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के संबंध को कुछ उदाहरणों से समझते हैं। उदाहरण 24। बहुपद 6x की घात 2 धन 13x धन 7 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। हल: बहुपद 6x की घात 2 धन 13x धन 7 की तुलना सबसे पहले हम ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी से करने पर हमें ए का मान क्या मिलेगा, ए बराबर 6, बी बराबर 13 और सी बराबर 7। चूंकि हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल क्या होता है, ऋण बी बटा ए। तो इसीलिए शून्यकों का योगफल बराबर अब ऋण की जगह हम ऋण रखेंगे, बी का मान हमारे पास 13 है तो हम बी के स्थान पे 13 लिखेंगे, ऋण 13 बटा ए का मान है 6 तो ऋण 13 बटा 6। तो शून्यकों का योगफल हमें प्राप्त हुआ ऋण 13 बटा 6। फिर से देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटा ए, तो इसलिए शून्यकों का गुणनफल बराबर सी का मान है हमारे पास 7 बटा ए का मान है हमारे पास 6। तो इस तरह से शून्यकों का गुणनफल हमें प्राप्त हुआ 7 बटा 6। तो हमने देखा कि शून्यकों का योगफल बराबर हमने प्राप्त किया ऋण 13 बटा 6 और इसी तरह से हमने शून्यकों का गुणनफल प्राप्त किया 7 बटा 6। तो हमने दिए गए बहुपद के गुण योगफल ऋण 13 बटा 6 और गुणनफल 7 बटा 6 प्राप्त किया, यह इस प्रश्न का हल होगा। उदाहरण 25। बहुपद 4x की घात 2 धन
चार वर्गमूल तीन एक्स धन तीन के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। हल बहुपद चार एक्स की घात दो धन चार वर्गमूल तीन एक्स धन तीन की तुलना हम ए एक्स की घात दो धन बी एक्स धन तीन से करेंगे। तीन से करने पर हमें ए का मान क्या मिलेगा, यहाँ चार, ए का मान चार है यहाँ, उसी तरह से एक्स का जो गुणांक है बी, यहाँ पे बी है तो बी का मान क्या है चार वर्गमूल तीन, और उसी तरह से सी का मान है हमारे पास तीन। अब चूंकि हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल जो होता है वह क्या है, ऋण बी बटा ए बराबर, इसीलिए शून्यकों का योगफल बराबर ऋण का ऋण, बी का मान हमने हमारे पास है चार वर्गमूल तीन बटा ए का मान है चार। चार को ऊपर अंश और हर से काटने पर हमें प्राप्त होगा ऋण वर्गमूल तीन, तो यह शून्यकों का योगफल है। फिर हम जानते हैं चूंकि शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटा ए, तो इसलिए शून्यकों का गुणनफल बराबर सी का मान यहाँ पे तीन है, हमने ऊपर ज्ञात किया है, और ए का मान चार है, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर तीन बटा चार। तो इस तरह से हमने शून्यकों का योगफल बराबर ज्ञात किया ऋण वर्गमूल तीन, और गुणनफल ज्ञात किया हमने तीन बटा चार। तो इस तरह से यह इस प्रश्न का हल है कि योगफल शून्यकों का योगफल ऋण वर्गमूल तीन और गुणनफल बराबर तीन बटा चार, यह इस प्रश्न का हल होगा। सोचें एवं चर्चा करें। पहला, क्या शून्य ज्ञात होने पर बहुपद ज्ञात कर सकते हैं? कोई दो मान लेकर बहुपद बनाइए।